नमस्कार, स्वागत है वेब दुनिया समाचार में आपका। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। ISIS सर्च करने में श्रीनगर और मुंबई टॉप पर। खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए अपने तरह के एक अलग ही सर्वे के अनुसार आतंकी संगठन ISIS में दिलचस्पी लेने वाले शहरों में श्रीनगर और मुंबई उन टॉप 5 शहरों में शामिल है, जहां के युवा इंटरनेट के जरिए इस संगठन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इन शहरों में बड़े और छोटे शहर दोनों शामिल हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इन शहरों में आईटी शहर बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ गुवाहाटी तो शामिल है ही, पुणे का उपनगरीय इलाका चिंचवाड़ और यूपी का उन्नाव भी शामिल है। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि आईएस में दिलचस्पी रखने वाले 18 से 30 साल के युवा दिख रहे हैं। इस बात से संकेत मिलते हैं कि सोशल मीडिया के कारण आने वाले समय में भारत की शांति खतरे में पड़ सकती है। पाक परमाणु ठिकाने उड़ाना चाहती थी इंदिरा गांधी। वर्ष 1980 में सत्ता में वापसी करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार क्षमताएं हासिल करने से रोकने के लिए उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर सैन्य हमले पर विचार किया था, लेकिन ऐन वक्त पर योजना बदल दी गई। CIA के एक सार्वजनिक किए गए दस्तावेज में यह दावा किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी द्वारा तैयार 8 सितंबर 1981 के पाकिस्तान में परमाणु विकास पर भारत की प्रतिक्रिया शीर्षक के दस्तावेज में कहा गया कि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री ने यह विचार उस समय किया जब अमेरिका पाकिस्तान को लड़ाकू विमान F-16 बेचने के अंतिम चरण में था। CIA ने कहा कि गांधी ने बाद में फैसला बदल दिया। गांधी ने इस खतरे का स्पष्ट जवाब भारतीय परमाणु परीक्षण तैयारियों को अधिकृत करके दिया। मणिपुर में नेताओं के घरों को फूंका, लगा कर्फ्यू। मणिपुर में व्यापक आगजनी की गई है। राज्य सरकार के एक मंत्री, एक सांसद और 5 विधायकों के मकानों को चूड़ा चंदपुर जिले में अज्ञात लोगों ने संभवतः विधानसभा में कुछ विधेयक पारित किए जाने को लेकर आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। आगजनी की इस घटना में कुल 7 मकानों को आग के हवाले किया गया। मणिपुर के मूल निवासियों के संरक्षण को लेकर 3 विधेयक विधानसभा में पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद ये घटना हुई।